हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा हिंदी। और आप देख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये है लेसन नंबर 26। इसमें आज हम बात करेंगे यूज ऑफ शुड हैव की, तो कैसे हम शुड हैव का यूज़ करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि शुड हैव का यूज़ हम कहाँ करते हैं। तो जैसे हमने शुड का यूज़ लास्ट वीडियो में देखा, अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें प्लेलिस्ट में जा कर के। तो शुड का यूज़ हमने देखा था कि एडवाइज़ या सजेशन यानी कि सलाह देने के लिए किया जाता है, चाहिए के अर्थ में। तो यहाँ पर शुड हैव का यूज़ करेंगे हम पास्ट टेंस में, यानी भूतकाल में अगर हमने किसी को सलाह देनी थी। तो देखिए पहचान में क्या होगा, चाहिए था, चाहिए थी या चाहिए थे। उसी प्रकार बनाने के लिए हम सिंटैक्स लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके साथ शुड हैव, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो शुड के साथ हम फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे थे, यहाँ पे हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड यूज़ करना है पॉजिटिव में। नेगेटिव में हो जाएगा आपका सब्जेक्ट प्लस शुड नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो चलिए अब एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं कैसे हम यूज़ करेंगे। जैसे मुझे वहाँ जाना चाहिए था तो आई शुड हैव गॉन देयर, तो गो वेंट गॉन थर्ड फॉर्म यूज किए। इसमें भी आपको कोई सिंगुलर प्लूरल सब्जेक्ट का कोई भी मीनिंग या कोई ध्यान नहीं रखना है। नेक्स्ट एग्जांपल है, तुम्हें उसकी सिफारिश नहीं करनी चाहिए थी, यू शुड नॉट हैव रिकमेंडेड हिम। रिकमेंड माने किसी की सिफारिश करना। मुझे समय पर पहुँचना चाहिए था तो आई शुड हैव रीच्ड ऑन टाइम। अब देखिए यहाँ पे जो ईडी है ये होता है पास्ट पार्टिसिपल, तो इसका मैं अलग से वीडियो बनाऊँगा। प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, डिडंट, ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो आप अपना ग्रामर में कवर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आपको स्पीकिंग सिखाना है तो ज़्यादा ग्रामर पे हम फोकस नहीं कर रहे हैं, नहीं तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएंगे। नेक्स्ट है, मुझे समय पर दवाई ले लेनी चाहिए थी तो आई शुड हैव टेकन द मेडिसिन ऑन टाइम। तो अपने आप को हम सलाह दे रहे हैं। क्या तुम्हें वहाँ से त्यागपत्र दे देना चाहिए था, तो शुड यू हैव रिजाइंड फ्रॉम देयर। तो यहाँ पे ये प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या से शुरू हो रहा है, तो शुड पहले आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब जो है हैव। चलिए आगे और एग्जांपल्स देखते हैं। मैंने पहले भी बता चुका हूँ आपको कि एग्जाम्पल ज़्यादा से ज़्यादा मैं फोकस करता हूँ ताकि आपकी स्पीकिंग अच्छी हो सके और आपको समझ में आ सके कि कहाँ किस वर्ब का कैसे यूज़ हो रहा है। चलिए देखते हैं, उसे नाश्ता कर लेना चाहिए था तो शी शुड हैव टेकन ब्रेकफास्ट। ये देखिए जो हैड लिखा है ये इसका मतलब है कि यहाँ पे ये ऑब्लिक लगा है, तो हैड यूज़ कर सकते हैं या टेकन यूज़ कर सकते हैं, दोनों का मीनिंग एक ही है। तुम्हें उसे उसी समय पकड़ना चाहिए था तो यू शुड हैव कॉट हिम देन एंड देयर। देन एंड देयर मतलब तभी और वहीं, यानी कि उसी समय। तो ये कुछ सिंपल वर्ड होते हैं जो हमें कभी कभी बहुत कठिन लगते हैं कैसे बोलें, तो इसलिए मैं एग्जांपल्स को ज़्यादा फोकस करता हूँ ताकि आपकी वोकेबलरी स्ट्रांग हो सके। नेक्स्ट है, तुम्हें उसे गाली नहीं देनी चाहिए थी तो यू शुड नॉट हैव एब्यूज्ड हिम। तो एब्यूज्ड की थर्ड फॉर्म एब्यूज्ड, एब्यूज़ माने गाली देना। क्या तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था तो शुड यू हैव डन दिस, सॉरी करना चाहिए था पॉजिटिव है तो शुड यू हैव डन दिस, डू डिड और डन, ऐसे के लिए हम बोलेंगे दिस यानी कि यह। तुम्हें मौका नहीं गंवाना चाहिए था तो यू शुड नॉट हैव मिस्ड द चांस, या फिर कह सकते हैं बस। ठीक है, तो ये हो गया मिस्ड माने गंवाना या किसी चीज़ को छोड़ देना। आगे और एग्जांपल देखते हैं, मुझे एक अध्यापक होना चाहिए था तो आई शुड हैव बीन ए टीचर। बीन मतलब होना, बी की थर्ड फॉर्म है। नेक्स्ट है, तुम्हें नौकरी नहीं छोड़नी चाहिए थी तो यू शुड नॉट हैव लेफ्ट द जॉब, तो लीव की थर्ड फॉर्म लेफ्ट। मुझे उसे पैसे उधार क्यों नहीं देने चाहिए थे तो वाई शुड आई नॉट हैव लेंट हिम मनी, तो लेंट माने होता है उधार देना और बोरो माने होता है उधार लेना। उसे छत से नहीं कूदना चाहिए था तो ही शुड नॉट हैव जम्प्ड ऑफ द रूफ। ऑफ का मतलब हो गया वो छत से कूदता तो छत से अलग हो जाता, इसलिए यहाँ पे जम्प्ड ऑफ एक
पूरी फ्रेजल वर्ब यूज हुई है। उसे बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए था, तो ही शुड नॉट हैव क्रिएटेड द फस। तो क्रिएट माने बनाना, फस माने बात का बतंगड़। तो ये वर्ब वो है, बात का बतंगड़ के लिए हम फस यूज़ करेंगे। तो ये मीनिंग आप याद रखें, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादातर यूज हो जाता है कहीं ना कहीं। आइए और एग्जांपल देखते हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जांपल लेके आता हूँ आपके सामने। तुम्हें खतरा नहीं लेना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव टेकन द रिस्क। रिस्क माने खतरा या जोखिम, यहाँ पे डेंजर वाला खतरा नहीं है, ध्यान रखिए ना, सेंस आपको खुद ही यूज़ करना पड़ेगा। तुम्हें मुझे इस प्रकार भयभीत नहीं करना चाहिए था। यू शुड नॉट हैव फ्राइटेंड मी लाइक दिस। लाइक दिस माने इस प्रकार, अब फ्राइटेंड माने होता है किसी को डराना या भयभीत करना। उसे एक डॉक्टर होना चाहिए था, तो शी शुड हैव बीन ए डॉक्टर। अब यहाँ पे ये भी हो सकता है, बट मैंने सी लिखा है, कोई इशू नहीं है, आप कुछ भी जो आपको लगे लड़का है लड़की है उसके अकॉर्डिंग आप बोल सकते हैं। तुम्हें उसका प्रस्ताव नहीं ठुकराना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव टर्न डाउन हर प्रपोजल या रिफ्यूज्ड। तो टर्न डाउन माने होता है ठुकराना, और रिफ्यूज़ माने भी होता है ठुकराना या फिर मना करना। तो टर्न डाउन फ्रेजल वर्ब है, तो टर्न में हम ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाएंगे, और रिफ्यूज्ड अपने आप में कंप्लीट वर्ब है, तो इसमें ईडी लगा के थर्ड फॉर्म बनाएंगे। तुम्हें अपने वादे से पीछे नहीं हटना चाहिए था, तो यू शुड नॉट हैव बैकड आउट ऑफ योर प्रामिस। तो बैकड आउट मतलब पीछे हटना, ऑफ योर प्रामिस अपने वादे से, यानी अपने वादे को पीछे नहीं छोड़ना चाहिए था, ये इसका मीनिंग है। लेकिन हम जब बोल रहे हैं हिंदी में तो वो भी ऐसे ही बनेगा। तो आशा करता हूँ कि आपने शुड हैव का यूज अच्छे से किया और सीखा, और आप आगे करिए इसको, बहुत ही इम्पोर्टेंट है ये। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।